Subscribe to our channel Sunshine Study. Hit the bell icon for latest video update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनशाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम टाइम एंड वर्क कवर करेंगे, ठीक है। पार्ट वन बेसिक्स मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। तो जिसने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। आज हम इसका पार्ट टू करेंगे, ठीक है। पार्ट टू में किस टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगी तो वो आगे चल के देखते हैं, और वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चिंटू कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 20 डेज, आफ्टर वर्किंग फॉर 5 डेज चिंटू लेफ्ट द वर्क, ठीक है। चिंटू किसी काम को 20 दिन में करता है, लेकिन वो 5 ही दिन काम करके उस काम को छोड़ देता है। बाकी का जो बचा हुआ काम है वो राम के द्वारा होता है 12 दिनों में, ठीक है। अगर दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो काम वो कितनी देर में खत्म करेंगे, ठीक है, कितने दिनों में वो काम कर सकते हैं अगर दोनों साथ मिलके काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना हमें एफिशिएंसी गिवन है, ना ही यहाँ पे हमें टोटल यूनिट ऑफ वर्क गिवन है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से ये दिख रहा है आपको, अगर चिंटू 20 दिन में काम करता है, किसी काम को वो 20 दिन में करता है, बट वो 5 ही दिन में काम कर रहा है, ठीक है। 5 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है, तो कितना काम करेगा वो, ठीक है, कितना काम करेगा यहाँ पे देखिए 1/4 काम करेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ वर्क है, ठीक है, यहाँ पे 1 यूनिट काम करना है हमें, ठीक है। तो कितना काम कर पाएगा चिंटू, 1/4 काम कर पाएगा, ठीक है। तो 3/4 यूनिट तो अभी भी बाकी है, तो वो काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, ठीक है। कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। देखिए चिंटू 5 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, चिंटू 20 दिन में काम करता है, लेकिन वो 5 ही दिन काम कर रहा है और छोड़ दे रहा है, ठीक है। अगर हमें 1 यूनिट काम कराना है टोटल, तो चिंटू 5 दिन में कितना कर पाएगा, 1 यूनिट का 1/4 कर पाएगा, ठीक है, ठीक है। और 3/4 यूनिट आपका 12 दिन में कर हो रहा है राम के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें, देखो चिंटू 1/4 काम, ठीक है, 5 दिन में कर रहा है, राम 3/4, ठीक है, आपका कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो चिंटू कितना टाइम लगाता है, 20 दिन लगाता है पूरे काम करने में, और राम कितना टाइम लगा रहा है आपका, देखो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 48/3, तो 16 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 80, ठीक है। तो यहाँ से 20 और 80, ठीक है, तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई, ठीक है, 2 4 8, और यहाँ से इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई, 16 5 18, ठीक है। अगर दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो कितने देर में होगा, 80/9, इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर देंगे क्योंकि ये साथ में मिलके काम कर रहे हैं, राइट। तो 80/9 आपका आंसर हो जाएगा, दोनों साथ मिलके, ठीक है, 80/9 में दिन में काम करेंगे, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, ठीक है। नीति कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, ठीक है। इफ मोहन एंड नीति बिगेन द वर्क टुगेदर एंड मोहन लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 डेज, ठीक है। सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 6 3 18, ठीक है, 18 जो हो गए यहाँ पे, ये हो गया इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी नीति की हो गई 1, ठीक है। अब बोला क्या है यहाँ पे, अगर दोनों साथ मिलके काम शुरू करते हैं और मोहन 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, देखो नीति और मोहन 3 दिन उन्होंने साथ में काम किया, ठीक है, और मोहन ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। तो बाकी का जो बचा हुआ काम है वो नीति करेगी, है ना, नीति करेगी। तो अब बताना क्या है कि हाउ मेनी डेज नीति हैज टू वर्क आफ्टर मोहन हैज लेफ्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क। तो नीति कितना टाइम लेगा, है ना, नीति कितना टाइम लेगी अकेले काम करने में। देखो नीति और मोहन ने 3 दिन तक काम किया साथ में, बाद में मोहन छोड़ के चला गया, ठीक है, काम को, तो साथ में उन्होंने 3 दिन में 3 दिन काम किया, ठीक है। कितनी एफिशिएंसी के साथ काम किया, 4, इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो कितना काम हुआ, 12 यूनिट काम हो पाया,
ठीक है, लेकिन कितना काम करना था, टोटल 18 यूनिट काम करना था। ठीक है, अब 18 माइनस 12 करोगे 6, ठीक है, तो 6 ही हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, देखिए नीति अकेले काम करेगी, 6 यूनिट काम करेगी नीति, ठीक है, किस एफिशिएंसी के साथ काम करेगी, एक है ना, नीति की एफिशिएंसी एक है, तो 6 डिवाइडेड बाय 1, तो नीति कितने डेज में काम कर पाएगी बचे हुए काम को, 6 डेज में। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इस वीडियो में, ठीक है, तो इस वीडियो का जब पार्ट थर्ड आएगा तो उसमें और थोड़ा सा लेवल में बढ़ा दूंगी, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए एसएससी सीएचएसएल के लिए तो उसमें थोड़ा लेवल आपका ठीक ठाक आता है, राइट। उमा टेक्स 12 डेज टू कंप्लीट अ वर्क एंड वीरा टेक्स 48 टू कंप्लीट द सेम वर्क, व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क इफ दे बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर। उमा किसी काम को 12 दिन में करती है, वीरा किसी काम को 48 डेज में करता है, ठीक है, अगर ठीक है 75% साथ में काम करते हैं, व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट, ओके 75% काम करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें टोटल इनका एलसीएम पता होना चाहिए, ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 48, राइट, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। अब हमें 75% काम कराना है, ठीक है, 75% काम कराना है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों को साथ मिला के काम कराना है, ठीक है, और कितना काम कराना है 48 यूनिट, तो 48 डिवाइडेड बाय 5, 75% काम कराना है, तो यहाँ से आप निकाल लोगे तो ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल करोगे, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, सब कुछ कैंसिल करके आपका ये आंसर हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो यहाँ से आप पॉइंट्स में देख लेना, फिर 7.2 डेज, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 7.2 डेज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे, ठीक है, देखिए रोशन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, ठीक है, योगी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, ठीक है, इफ रोशन योगी जीवर टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज, अगर रोशन योगी और जीवा साथ मिलके 4 दिन में काम कर रहे हैं तो जीवा कितने दिन में अकेले काम कर सकती है, ठीक है, उस काम को। देखो सबसे पहले तो हमें टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे आएगा यहाँ पे 60, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 यूनिट ऑफ वर्क आ जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा आपका 15, ओके, वो 15 हो जाए 16, तो यहाँ से हम इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, रोशन योगी और जीवा की। अब हमें क्या कराना है, जीवा से अकेले काम कराना है, कितना काम कराना है 60 यूनिट, तो जीवा की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे नहीं पता, ठीक है, हमें रोशन योगी की पता है लेकिन टोटल तो पता है तीनों की, तो 15 माइनस 12 कर दोगे तो जीवा की एफिशिएंसी आ जाएगी, राइट, तो कितना हो जाएगा, जीवा की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, तो 60 डिवाइडेड बाय 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रमन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज और बीना कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, इफ रमन एंड बीना टुगेदर वर्क टुगेदर एंड रमन लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज, ठीक है, सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालो तो 50 हो जाएगी, ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मिला के 5 हो जाएगी, ठीक है, उसने बोला कि अगर रमन छोड़ देता है 2 दिन बाद, ठीक है, काम 2 दिन साथ में काम करते हैं और रमन छोड़ देता है 2 दिन बाद काम करके, ठीक है, बीना और रमन, ठीक है, तो कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है, कौन करेगा, बीना कितने दिन में काम करेगा बचे हुए काम को, ठीक है, तो यहाँ से 2 दिन साथ में काम कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंसी के साथ, 5 एफिशिएंसी के साथ, ठीक है, तो 10 यूनिट तो ये काम हो गया, ठीक है, अब टोटल यूनिट कितनी है, 40 यूनिट है, 40 में से 10 यूनिट हो चुका है, तो कितना बचा, 30 यूनिट काम बचा,
रमन तो छोड़ चुका है, ठीक है, तो बाकी का काम कौन करेगा? बीना करेगी। तो बीना की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे? 1। तो 30 डिवाइडेड बाय 1, तो डेज निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 30 डेज लगेंगे बीना को काम कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लगता है हमेशा, यूनिट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू डेज, ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो यूनिट अपॉन डेज कर दोगे, ठीक है। अगर यूनिट निकालनी है तो एफिशिएंसी इनटू डेज कर दोगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, वैसे अगर लॉजिकल समझोगे कॉन्सेप्ट को तो फॉर्मूले याद नहीं रखने पड़ेंगे। देखिए रीमा इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज अंजलि, अंजलि इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज मुक्ता, ठीक है। इफ दे टेक 4 डेज टू कंप्लीट द वर्क व्हाइल वर्किंग टुगेदर देन हाउ मेनी डेज रीमा टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रीमा, अंजलि और मुक्ता, ठीक है। देखिए अंजलि इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज मुक्ता, ठीक है। मुक्ता की मान लो एफिशिएंसी 1 है, ठीक है। अंजलि उससे दुगनी तेजी से काम करती है मुक्ता से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, अंजलि दुगनी तेजी से काम करती है ना, उसकी दुगनी एफिशिएंसी है मुक्ता से, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, रीमा इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज अंजलि, रीमा 4 गुना तेजी से काम करती है अंजलि के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ से मैं 4 × 2 कर दूंगी तो 8 हो जाएगा, अंजलि से 4 गुना तेज कर रही है, ठीक है। तो 8 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी। देखो जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होती है उतना ही डेज आपके कम लगते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतने डेज कम लगेंगे, और जितने ज्यादा डेज कम लगेंगे उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होती है, ठीक है। अगर डेज ज्यादा लग रहे हैं यानी कि एफिशिएंसी कम है, ठीक है। तो इतने इसकी जो एफिशिएंसी है वो 8 है, यानी कि ये डेज कम लेगी। मान लो ये एक्स डेज ले रही है रीमा किसी काम को करने में, ठीक है। तो ये कितना लेगी, 2 डेज लेगी, ठीक है। और मुक्ता कितनी डेज लेगी, एक्स बाय 8 डेज लेगी, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, 1 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स प्लस 8 बाय एक्स इक्वल्स टू, तीनों के साथ तीनों मिलके साथ 4 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1/4, ठीक है। तो 11 बाय एक्स इक्वल्स टू 1/4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 44 डेज, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रीमा का निकालना है कि रीमा कितने दिनों में काम करेगी, ठीक है, अकेले। तो रीमा की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे, 8 है, ठीक है। तो क्या करोगे, 44 डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे तो यहाँ से रीमा के डेज निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 5.5 डेज यहाँ पे रीमा के हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। इससे थोड़े से और क्वेश्चंस आप ये और कराने हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर कर सकते हो आप, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए प्लीज।